बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आज सना के जायकों के साथ मैं बहुत ही मज़े की सब्ज़ी लेकर आई हूँ आज। तो कभी कभी सब्ज़ी भी खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं सब्ज़ी में? हम तोरई बनाने वाले हैं, वो भी आलू के साथ। तो चले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने यहाँ पर तेल गरम किया है, तेल में ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाएँगे। ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद जब ज़ीरा आपका कड़कड़ा जाए तो फिर आप इसके अंदर प्याज शामिल करें। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक और बात भी आप लोगों से शेयर करनी थी। एक व्लॉगर है, रिएक्शन विद माय व्लॉग के नाम से वो ब्लॉग करती हैं, आई थिंक शायद यही नाम है। तो वो जो है अभी उनका चैनल स्टार्ट हुआ है और वो पलवशा जी को जो है वो हिट कर रही हैं, जो कि पर्सनली मैं अगर कहूँ तो मुझे ये बहुत ही बुरी लगी बात। बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरों को सपोर्ट करें। जो भी काम करता है अपनी मेहनत से करता है और हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम उसकी खामियाँ निकालें कि वो इस तरीके के मारिया बी के कपड़े पहनती हैं, इस तरीके से बला बला जो उन्होंने कहा। तो इस तरीके से बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, ये बात बहुत गलत है। हम पाकिस्तानियों को एज़ अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी जो है हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की हम टांगे खींचें कि भाई वो ऐसे कर रहे हैं और वो ऐसे कर रहे हैं। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था कि दूसरों के दिल पे क्या असर पड़ता है। अब वो जो रिएक्शन विद माय व्लॉग्स ही, आई थिंक उनका नाम मैं मेंशन कर दूँगी सही से, आई थिंक मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैं उनके जो है व्लॉग ज़्यादा फॉलो करती नहीं। मैंने एक आती देखा था तो मैंने कहा ये क्या इस तरीके से ना किया करें, दूसरों की जो मेहनत होती है उस पर हमें पानी नहीं फेरना चाहिए बिल्कुल। तो दूसरे का भी दिल दुखता है। अब वो वहाँ पे आयरलैंड में है, आयरलैंड में आई थिंक, और वो वहाँ कह रही हैं कि ये देखें आप यहाँ पे बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, सॉरी बर्फ़बारी का सीन वो वहाँ पे दिखा रही हैं बाहर सबको। तो अब उनको हम लोग भी तो ये कह सकते हैं ना, कोई भी कह सकता है कि यार बाहर मुल्क में रह रहे जो भी पाकिस्तानी लोग हैं, कौन नहीं जाना चाहता बाहर और कौन नहीं देखना चाहता बाहर के साफ़ सुथराई मुल्क, जो भी है अच्छी बात है। कई लोगों ने तो बर्फ़बारी भी नहीं देखी होगी, सही मैं आपको साफ बताऊं, कई जो पाकिस्तानी तो फिर ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जो शुमाली इलाका जात नहीं देखे, अपने पूरे अपना कंट्री नहीं घूमा और आप आयरलैंड में बर्फ़बारी इंजॉय कर रही हैं। तो लोगों को तो ये भी बुरा लग सकता है, लगने वालों को लोग इस पर भी हाय कह सकते हैं, हाय अल्लाह काश हम आयरलैंड में होते और बर्फ़बारी इंजॉय कर रहे होते। तो भाई जो इतनी मेहनत करता है, ठीक है टू द पॉइंट, जो इतनी मेहनत करता है, पलवशा जी ने जो भी किया है अपना पूरा एफर्ट लगाइए अपने आप को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए कि वो आज जो है कोई भी आसाइश अवेल कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं इतने टैलेंटेड हैं कि उनसे इंस्पायर होकर जो है और यूट्यूबर भी आ रहे हैं और चैनल्स भी खुल रहे हैं। बहुत से लोगों की वो इंस्पिरेशन हो सकती है, मेरी भी है, जैसे कि मैं उनके व्लॉग्स को बहुत लाइक करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, वो बोलती बहुत अच्छा है और जिस तरीके से वो ड्रेसअप करती हैं वो भी बहुत कमाल है, ठीक है पूरा दुपट्टा लेती हैं कोई इस तरीके से। तो और भी बहुत चैनल हैं, आप उनको भी हिट कर सकती थी जो बहुत ही बेहूदा कपड़े पहनते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, है तो वो भी मुसलमान पाकिस्तानी मगर वो बाहर के कल्चर में बिल्कुल वैसे ही हो गए, भूल ही गए कि हम मुसलमान हैं, ठीक है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं, इस्लामी कंट्री से। मैं नाम नहीं लूँगी, समझने वाले समझ जाएं। पैंट शर्ट पहन के आते हैं वो लोग भी, ठीक है उनकी बहुएँ उनके घर वाले सब पैंट शर्ट पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं। और आप देखें ऑन द अदर साइड कि पलवशा जी जो है वो कितना अच्छा ड्रेसअप करती हैं, ग्रेसफुल लगती हैं वो। तो आप लोग अच्छे जो बातें होती हैं लोगों की वो पॉइंट आउट किया करें, ये नहीं कि किसी की दिल आज़ारी हो,
आपका तो लोग देखेंगे चैनल, आपके व्यूज़ भी बढ़ रहे होंगे माशाल्लाह। तो ये बात गलत है, ये बात बहुत गलत है। एक दूसरे को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखें जी, हमारी प्याज ऑलमोस्ट भुनने वाली है। तो बस मैं यही कहूँगी बहन आपसे कि आप जो है, आप भी कभी इंशाअल्लाह ताला आप भी कभी ऐसे मकाम पे पहुँचेंगी, अल्लाह करे पहुँचे, आपकी मेहनत भी रंग लाए। जैसे पलवशा जी हैं आज, उन्होंने भी बहुत अपने आप देखे, उनका बैक में जाएं आप, उनका देखें, उन्होंने बताया अपना पूरा लाइफ कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करी। अपने मुल्क से दूर रहना, स्ट्रगल करना एक बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। वो औरत होकर माशाल्लाह 3 आई थिंक बच्चों के वो पेरेंट है, और वो किस तरीके से जिंदा दिली से जो है वो व्लॉग करती हैं, काम करती हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके पास जो है पैसा आ जाए बहुत, तो आप कभी चाहेंगे कि मैं लुंडे के कपड़े पहनूं? नहीं ना। कभी आप लुंडे से शॉपिंग करें? नहीं ना। कभी आप चाहेंगे कि यार मैंने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं करी है, तो मैं इसको अवेल अप कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ? अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सबको जीने का हक है, अच्छा बुरा अप्स एंड डाउन सबके साथ होते हैं। ये नहीं कि, और वो अपने व्लॉग में ये कहती हैं, बार बार ये कहती हैं कि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आप कभी देखें उनके व्लॉग्स को, तो देखें यहाँ पे बातों बातों में हमारी प्याज का कलर कितना अच्छा सा आ गया है। अब हमने इसमें ये टमाटर हैं लाल लाल से प्यारे प्यारे से, वो इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। ओए होए क्या शड़शड़ आवाज़ें आ रही है। यहाँ पे एक खाने का चमचा, ये 2 खाने के चमचे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 खाने का चमचा यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, ये 1 से 1.5 खाने का चमचा नमक है। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने हल्दी पाउडर भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, ये मेरे फ्रिज के रखे हुए होते हैं टमाटर, तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। इसका छिलका जो है ना, मैं मसल मसल कर पहले ही उतार देती हूँ, तो आप भी छिलका उतार के, टमाटर ना वो छिलका समेत जो डालते हैं तो वो फिर बहुत टाइम लेता है, छिलका खड़े रहो वो थका देता है, फिर भी टमाटर जो है ना वो साबुत रह ही जाते हैं खाने में। तो ये बहुत अच्छा मुझे आसान तरीका लगता है कि मैं टमाटर अपने सारे इकट्ठे धो के फ्रीज़र कर देती हूँ, और फिर निकाल के उसको वॉश कर लेती हूँ। जब मैं ऐसे मसल के वॉश करती हूँ ना, तो छिलका आराम से हाथों में आ जाता है, उतर जाता है। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी यहाँ पे कि रेसिपीज़ कभी सिर्फ वो ही नहीं होती जो आपको लगे कि यार ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है इन्होंने, ये बहुत गोश्त का आइटम बनाया है, ये बनाया वो बनाया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बिगनर्स हैं, बच्चियाँ जो नई नई अभी कुकिंग जिन्होंने स्टार्ट करी है, तो उनके लिए आसानी हो। मैं बहुत ही अपने जो कुकिंग की रेसिपीज़ जो है शेयर करती हूँ आपसे, वो बहुत ही आसान होती हैं और इन बजट होती हैं, आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ती है। मेरी कोशिश ही यही होती है कि मैं जो हूँ, सारे जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, सारे जो मेरी फैमिली है यूट्यूब, उनको जो है मैं आसानी से सस्ती सी जो उनके साथ रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ, और फिर वो मज़ेदार भी होनी चाहिए, लाजमी सी बात है। देखें टमाटर कितनी जल्दी से हमारे इजीली घुलने वाले हैं। अब इसी स्टेज पे हमने क्या करना है, आलू। अच्छा जी, देखें ये आलू मैंने, ये देखें इस तरीके से रफली मैंने कट कर लिए, ठीक है, ऐसे फ्राइज से थोड़े से मोटे आपने कट करने। ये यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए दरमियाने साइज़ के। अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि लोगों को जो है खुशी हो कि यार देखो हमारी मेहनत वसूल हो रही है, आज लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि इतनी मेहनत के बाद वो इस तरीके के जो है वो कमेंट्स सुने, अपने मुतालिक जो है वो बातें सुने। जाहिर सी बात है आप लोग भी, कोई भी नहीं सुनना पसंद करेगा, क्योंकि सब मेहनत करते हैं,
और फिर मेहनत के बाद जब ये सिला मिले ना तो फिर वो ज़रा सा बुरा लगता है। तो जो भी लोग हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, एक दूसरे की टांगें ना खींचा करें। चलें जी भाई, आज की मास्टरक के साथ आज की जो वीडियो है वो तो रेसिपी से हटकर जो है वो टॉपिक की तरफ ही चली गई है। तो वापस आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, अपने ट्रैक पे वापस आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये मेथी है, सूखी मेथी होती है ना, कसूरी मेथी, उसको अच्छी तरीके से आपने साफ़ करके इस तरीके से मसल मसल के आपने इसके अंदर आलूओं के ऊपर छिड़क देनी है, ठीक है। ये हाँ हाँ, क्या खुशबू आई है मेथी की, डालते ही कमाल है। बस थोड़ा सा ये भुन भुना जाए ना, भुन, जब थोड़ा सा ये भुन जाए तो फिर हम इसमें अपनी तोरैयों को शामिल कर देंगे। तो चलें, आप लोग मेरे चैनल को देखा करें, विज़िट किया करें, रेसिपीज़ को बनाया करें। बहुत ही इन बजट आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ रेसिपीज़, बच्चे बड़े सब बना सकती हैं ये। तो आप ट्राई किया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और जो भी रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो उसके बदले में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चले जी, अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, ये मेरे पास तोरैया है, आपने तोरई को ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना, थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसको बारीक ही काटना, छोटा अच्छी तरीके से गुलाम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तोरई में हम ज़रा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि तोरई जो है वो अपना पानी भी छोड़ती है। तो बस इसके अंदर हमने एक गिलास पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, कि आलू भी गल जाए हमारे और तोरैयाँ भी जाएँ वो ज़्यादा टूटे ना, ठीक है ना। ये एक कप पानी डाल दिया और इसको हम कवर कर देंगे, फिर मिलते हैं आपसे जब तक ये गलने के बाद आपसे मिलते हैं। तो चले देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी तोरई की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। ये कोई गोश्त से कम नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। और आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें, बनाएं, आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल सना के जायके को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।